हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड 3D चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1642 ईस्वी में आज ही के दिन इटली के भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री और विद्वान गैलीलियो गैलीली का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सन 1705 ईस्वी में आज ही के दिन जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल ने अल्मीरा का पहला प्रीमियर हैमबर्ग में किया था। सन 1745 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और सक्सोनी ब्रोदी ने प्रशियाई क्वाड्रपल अलायंस पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1790 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया था। सन 1800 ईस्वी में आज ही के दिन वाइल्ड बॉय एवेरॉन दक्षिणी फ्रांस में खोजा गया था। सन 1836 ईस्वी में आज ही के दिन लंदन और ग्रीनविच रेलवे ने अपना पहला खंड लंदन इंग्लैंड में पहला रेलवे स्टेशन खोला था। सन 1842 ईस्वी में आज ही के दिन डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने नीदरलैंड के विलियम द्वितीय द्वारा असैनिक इंजीनियरों की शिक्षा के लिए रॉयल अकादमी की स्थापना की थी। सन 1856 ईस्वी में आज ही के दिन डॉक्टर जॉन वीच ने बोरेक्स की खोज की थी, जिसे हम हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट के नाम से भी जानते हैं। सन 1884 ईस्वी में आज ही के दिन बंगाल के राष्ट्रवादी नेता और ब्रह्म समाज के वक्ता केशव चंद्र सेन का कलकत्ता में निधन हुआ था। सन 1889 ईस्वी में आज ही के दिन हारमन और एरिथ को पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन के आविष्कार का पेटेंट मिला था। सन 1890 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी साहित्यकार रामचंद्र वर्मा का जन्म हुआ था। सन 1909 ईस्वी में आज ही के दिन उपन्यासकार आशापूर्णा देवी जी का जन्म हुआ था। सन 1925 ईस्वी में आज ही के दिन साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म हुआ था। सन 1940 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने मक्खन, बेकन, हेम और चीनी के लिए राशन कार्ड की शुरुआत की थी। सन 1961 ईस्वी में आज ही के दिन अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें अल्जीरिया के पक्ष में केवल 69% मतदान हुआ था। सन 1965 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बावाई बटोरी थी, के फिल्मकार विमल रॉय का निधन हुआ था। सन 1984 ईस्वी में आज ही के दिन पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ था। वह बंगाल फ्लाइंग क्लब की सदस्य थी और पहली महिला पायलट बनी थी। सन 2013 ईस्वी में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के 130 वन्य प्राणियों ने हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर किया था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन सोमालीलैंड स्वघोषित गणराज्य ने बलात्कार के खिलाफ अपना पहला कानून पारित किया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन ईरान ने जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में कुछ अमेरिकी सैनिकों के इराकी आवास इरविल और अल असद ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू किए थे। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।